मथुरा रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज चालू हो जाएंगे और मुड़िया पूर्णिमा मेले में परिक्रमा देते हैं। मेला की इस भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि रेलवे स्टेशन परिसर को 3 सेक्टरों में बांटा जाए। इसी के चलते मथुरा रेलवे जंक्शन 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट एंट्री, सेकेंड गेट एंट्री और थर्ड एंट्री सभी सेक्टरों पर आला अधिकारियों के साथ साथ जीआरपी और आरपीए पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट भी बढ़ा दिया गया है, जिसमें आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाली इंटरसिटी गाड़ी को झांसी तक कर दिया गया है। यह इंटरसिटी गाड़ी झांसी से दिल्ली तक चलेगी, तो वहीं निजामुद्दीन से भी अन्य गाड़ियों का रूट भी बदल दिया गया है, जो कि हर ट्रेन का मथुरा स्टेशन पर स्टॉपेज रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेलवे निदेशक एस के श्रीवास्तव ने बताया कि हजारों यात्रियों के आवागमन के लिए मेला स्पेशल अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि आधा दर्जन से अधिक ट्रेन उपलब्ध रहेंगी। तो वहीं अन्य रेलवे स्टेशनों से भी रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मथुरा स्टेशन पर अतिरिक्त तैनात रहेंगे और उन्होंने अपने साथ आरपीएफ सीओ के साथ आरपीएफ के जवानों के साथ रेलवे का निरीक्षण किया, जगह जगह सभी को समझाया और केबिन में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया और टिकट के लिए काउंटरों को भी बढ़ाया गया है। अभी आज तक तो ऐसी कोई भीड़ नहीं दिख रही है, नॉर्मल है, लेकिन ये भीड़ मुझे लग रहा है कि कल से बढ़ने की संभावना है। और आप देख रहे हैं, एक हम लोगों ने ये कंट्रोल रूम बना हुआ है, यहाँ पे सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और राउंड द क्लॉक ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगी हुई है जो इससे बात कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिसर बैठे हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, तो SDM किरावली हैं। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना एक ऑफिसर राउंड द क्लॉक लगाया है इस मेला कंट्रोल ऑफिस में। आरपीएफ जीआरपी के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। हमारा करीबन 250 आदमी हमारा बाहर से आने वाला है, बाद में आरपीएसएफ भी है, आरपीएफ भी है, और हमारा खुद का पोस्ट का इंचार्ज स्टाफ है। करीब 300 आदमी हमारे हैं और 450 आदमी हमारे जीआरपी के हैं। हाँ, हमारे द्वारा ब्रीफिंग की गई है, बाकायदा सबको सर्च किया गया है, सबको ब्रीफिंग किया गया है। सेक्टर बांट दिए गए हमारे यहाँ, जैसे पूरे मथुरा में 3 सेक्टर बांटे गए हैं, सेक्टर के मुताबिक ड्यूटी लगाई गई है। हर सेक्टर पे एक इंस्पेक्टर मौजूद है, वो काम कर रहा है, और सबको कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी दिया गया है, मोबाइल वगैरह है हर एक में, नंबर में कभी इमरजेंसी आएगी तुरंत वॉकी टॉकी से उसको ऑपरेट किया जाएगा। हमारे 2 कंट्रोल रूम है, एक आरपीएफ कंट्रोल रूम हमारा है, वहाँ पर हमारे 20 आदमी लगे हुए हैं, मैंड है वो, और एक कंट्रोल रूम हमारा डायरेक्टर साहब के पास है। जब भी कोई मैसेज मिलता है, हम एक्टिविटीज देखते हैं CCTV में, तुरंत हमें उनको इन्फॉर्म करते हैं वाकई टाकी थ्रू उसके, तो उस चीज़ को हम लोग क्लियर कर देते हैं। सर, कितने जोन और कितने सेक्टरों में? अभी तो फिलहाल हमारा तो 3 सेक्टर में बांटा गया, हमारे आरपीएफ का है जो हमारा 3 सेक्टर में बांटा गया है, बाकी जीआरपी का साथ उनसे फिगर मिल जाएगा, हमको पता कर लेंगे हम। अभी फिलहाल अभी पोजिशन नॉर्मल है, रस नहीं है, जिस हिसाब से रस बढ़ेगा उस हिसाब से हम लोग एक्टिवेट होंगे, और भी काम बढ़ता रहेगा हमारा। इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, यदि कोई सूचना मिलती है हम लोग, तो हम लोग कार्रवाई तुरंत करेंगे। अभी इस समय SDM साहब यहाँ मैडम मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं, हम लोगों ने विजिट किया, अभी सब चेक किया, अभी सब इस समय पोजीशन नॉर्मल मिली है हमको, और ऐसे ही हम लोग समय में चेक करते रहेंगे, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। थैंक यू।